मोदी सरकार क्रियान्वयन उपलब्धि मु अश्विनी वैष्णव को धन्यवाद देवी। गत वर्ष मुझे कहला परे संध्या सुधा मोर चारि पुरुष किसी बंधु उछाड़े कि सतरे कह पड़ कागज पत्र हिसाब ठीक करने पड़ 22-23 केन्द्र अनुदान मिसेक राज्य सरकार 38,732 कोटी टंका खर्च कर अश्विनी वैष्णव को पचारि वैष्णव महाशय रेल विभाग केवल मु रास्ता कथा जोड़ू ना बंदर विभाग को जोड़ू ना टेलीफोन विभाग को जोड़ू ना सी भितर ओडिशा रे 6,000 मु देखी से केत चतुरता सह कैबिनेट रे ओडिशा को प्राथमिकता दे के ओडिशा रे प्रति गांव रे अपंतर अंचल टेलीफोन टावर टिया 6,000 टेलीफोन टावर ओडिशा पाई से जंक्शन कर तार पैसा अलग या मिशौन केवल रेल रे गत 22-23 वर्ष रे 10,000 रु अधिक कोटी टंका खर्च कर अनुदान बजेट घोषणा नुहे 22-23 रे 10,000 कोटी टंका खर्च होने रोजगार क्या दि जा पूरा ओडिशा सरकार 38,000 कोटी टंका अश्विनी वैष्णव रेलवाई विभाग केवल 10,000 कोटी टंका जदि मु बाकी सब विभाग को मिसेबि ये गत वर्ष ए वर्ष हिसाब आहरी 3-4 मास पर हिसाब करवा मार्च 31 रे ए गत वर्ष रे ये एटा ए पई कहिबार उद्देश्य ये नरेंद्र मोदी को काम करिवार तरीका नाम करिवार भूमिका कारण से गुटे कथा कहिथिले जे पर्यंत पूर्वोदय हबो नै जे पर्यंत ओडिशा विकसित हबो नै भारत विकसित हे पलिबो नै भारत विकसित हबा पई हेले पूर्वोदय करिवा पई पड़िबो पूर्वोदय अर्थ अधिकार रे लाइ पूर्वोदय अधिका अर्थ अधिका रास्ता अधिका बंदर ये आयाम हो गिरीशा को पचारे गिरीशा ये जो आमर पुणा बस्ती रु नदी बंधरे रिंग रोड रे जाकि हाइवे रे पहुंचे मैं ओवरब्रिज होत वर्ष है हो 300, 400, 500 कोटी टकर कम हो 500 कोटी टकर कम 5 वर्ष है चलती नरेंद्र मोदी 500 कोटी टकर कम 2021 अप्रैल 1 उत्कल दिवस दिन आईआईएम शुभ देते आमें निमंत्रण करल्दी आसिक रेडी सारे लोकार्पण भी कर दियंतु ये भी 500 कोटी टका कम आज नरेंद्र मोदी सरकार रे ओडिशा को पूर्वोदय नुआ प्रयोगशाला करा जाई रेल विभाग तार नेतृत्व नहीं रेल विभाग तार अग्रणी भूमिका ड्राइवर डबल इंजन कथा कहू ना डबल इंजन आईटा अधिका काम अधिका पैसा अधिका योग्य अधिकारी साधु अधिकारी ये आज भारत सरकार काम करो अधिकारी बंधु मैंने ये काम को आगक नौ अनेक अनेक धन्यवाद आन चार रेल लाइन विषय मुवल अश्विनी वैष्णव आगे प्रशंसा करी ताने हर जो कि माग भी विषय खाली प्रशंसा कि प्रशंसा भी भगवान को कराए नेता को कराए जे दौ कराए अश्विनी वैष्णव पुणी नुआ कथा कि कहबी नुआ कथा नावरी बाबू भी पुणा कथा कहले सब आम एमपी बंधु मैंने बीसी बाबू ठू आरंभ करी बसंत भाई आदरणीय संगीता देवी नीतीश गंगदेव महाशय सुरेश दा यू कही सारी जयदा गोटे दाबी अच्छे आमर नेता प्रतिपक्ष एटिकार जनप्रिय लोकनेता जयनारायण मिश्र आपण को बहुत बहुत धन्यवाद आपण संबलपुर वंदे भारत चलैले एरोप्लेन भलिया आज डब्बा चलुची भुवनेश्वर रु संबलपुर पर्यंत साए 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 ट्रेन आसुचे आम ये पहुंचु जयनारायण मिश्र अनुरोध अच्छी ओडिशा को जिते आप तृतीय वंदे भारत चलेबे आप चलेबे अश्विनी बाबू ओडिशा प्रति विशेष प्रेम अच्छे हबनी के निश्चित तृतीय वंदे भारत चलेबे से भी मुझे अनुरोध करी
ଆଜି ଜୟନାରାୟଣ ମିଶ୍ର ମଧ୍ୟ ମନେ ପକାଇଛନ୍ତି, ରାୟପୁର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ ସମ୍ବଲପୁର ରାୟପୁର ଚାଲି ଦିଅନ୍ତୁ, ନହେଲେ ରାଉରକେଲାରୁ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ସମ୍ବଲପୁର ବରଗଡ଼ ବଲାଙ୍ଗୀର ନୂଆପଡ଼ା ଅଞ୍ଚଳ ଦେଇକି ରାୟପୁର ଚଲେଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ତାଦ୍ୱାରା ଆମର ଏ ଉପାନ୍ତ ଅଞ୍ଚଳରେ ବି ଟ୍ରେନ୍ ଚାଲିବ, ରାୟପୁର ସାଙ୍ଗରେ ଆମେ ଯୋଡ଼ି ହେଇଯିବା। ତିନି ଚାରିଟି ରେଳ ଲାଇନ୍ ଆପଣ ଏଠି ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି, ଆପଣ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ଅଶ୍ୱିନୀ ବୈଷ୍ଣବଙ୍କୁ ଓଡ଼ିଶା ବିଶେଷ କରିକି ସମ୍ବଲପୁର ଓ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶା ମନେ ରଖିବ ଦୁଇଟି ରେଳ ଲାଇନ୍ ଯୋଗୁଁ। ବରଗଡ଼ ନୂଆପଡ଼ା ରେଳ ଲାଇନ୍ ସେ କହିକି ଯାଇଛି ରାଜ୍ୟ ସରକାର, ଆଜି ଜମି ଦିଅ କାଲିଠୁ ମୁଁ କାମ ଆରମ୍ଭ କରିଦେବି। ଇଏ କଥାକୁ ଲୋକ ମନେ ରଖିବେ ନାହିଁ। ସର୍ଭେ ଯେଠି ଚାଲିଛି ରାଜ୍ୟ ସରକାରରୁ ଜମି ଅଧିଗ୍ରହଣର ଅପେକ୍ଷା ଆମେ କରୁଛୁ। କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବେ ମୁଁ ଦେଓଗଡ଼ ଯାଇଥିଲି, ନାଗରିକମାନେ ଗୁରୁଜନମାନେ ମୋତେ ଆଦେଶ ଦେଲେ ଯେ ଆମ ଦେଓଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାରେ ତାଲଚେର ବିମଳାଗଡ଼ ରେଳ ଲାଇନ୍ ଚାଲୁଛି, ଯାହାକୁ ଆମର ଦେଓଗଡ଼ ଏମ୍ପି ଆମର ସମ୍ବଲପୁର ଏମ୍ପି ଉଠାଉଥିଲେ। ଏବେ ରାଜା ସାହେବ ଯେଟାକୁ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ ହଉ, ରାଜ୍ୟ ସରକାରଠୁ ଆମର ଅପେକ୍ଷା ଜମି ଅଧିଗ୍ରହଣରେ ଯତ୍ନଶୀଳ ହୁଅନ୍ତୁ, ଜମି ମିଳୁ, ସେଟା ବି ଶୀଘ୍ର ହବ, ଟଙ୍କାର ଅଭାବ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ବାରକୋଟରୁ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ସେଟା ବି ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲା ଦେଇକି ଯିବ, କିଛି ଅଞ୍ଚଳରେ ରେଙ୍ଗାଳି ରହିଡ଼ା ଅଞ୍ଚଳରେ ନାହୁରୀ ବାବୁ ଚାଲାକ ଲୋକ, ଯୋଉଟା ଯିବ ସେ ପଟେ ରେଙ୍ଗାଳି ବୋଲି ଭର୍ତ୍ତି କରିଦିଅନ୍ତେ, ଯୋଉଟା ବି କରିଲେ ରେଙ୍ଗାଳିକୁ ଯୋଡ଼ି ଦିଅନ୍ତି, ଭଲ ପ୍ରତିନିଧି ସିଏ ସେ ଅଞ୍ଚଳ ଦେଇକି ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯିବ। जदि आपण को आम वीडियो टी भल लगा तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु ना।